हेलो मैडम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस तरह सड़क पर एक अनजान लड़के के साथ शरीफ नहीं, लोग फिर बात करते हैं। चंद सौ रुपयों के लिए जिस्म बेचने वाली कॉल गर्ल के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरे एक दोस्त से मिलती जुलती। हटो। डैम इट। मैं क्या, ये होटल का कमरा, तकिया, चादर सभी जानते हैं। इस शहर की मशहूर कॉल गर्ल है, अक्सर इस होटल में कस्टमर के साथ आती जाती है। इसका नाम है नीलू। अरे विजय बेटे, रात के 2 बज गए हैं, तुम अभी तक सोए नहीं? माँ, कल एग्जाम का आखिरी दिन है और मैं एक बहुत ही अजीब सवाल में उलझ गया हूँ। कैसा सवाल? अच्छा माँ, अगर ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो और अगर मुझे उस बात का पता चले तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे सामने उस बात को कह देना चाहिए या चुप रहना चाहिए? अगर मैं कोई बात छुपा रही हूँ तो उसकी जरूर कोई ना कोई वजह है। अगर तुम्हारे बोलने से मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा दिल दुखे या मुझे किसी तरह का नुकसान पहुंचे तो ऐसे में चुप रहना ही बेहतर है। ओह माँ, तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम सुलझा दी। अब मैं एग्जाम में जरूर पास हो जाऊंगा, जरूर। एग्जामिनेशन खत्म हो गए, पता नहीं कहाँ घूमता फिरता है। तुम्ही ना बिगाड़ा उसे, तुम्ही ने। रात को देर से घर आता है, सुबह देर से उठता है। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटे। जल्दी से नाश्ता करो, मेरे साथ चलना है। कहाँ? फैक्ट्री। और कहाँ? यशवंत आता होगा। फैक्ट्री? लेकिन डैडी वो मैं। गुड मॉर्निंग। हेलो आंटी। हेलो अंकल। अच्छा हुआ तुम वक्त पे आ गई। वक्त पे आ गए? अरे मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे अनु को वहाँ कहाँ रोक लिया, यहाँ लाओ, दोनों नाश्ता करो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग नाश्ता वहीं करेंगे। चलो चलो। कहाँ? अरे वहाँ। लेकिन तुम जा कह रहे हो? अब वो क्या है ना, हमारे दोस्त के भाई के बहन के साले की, नहीं नहीं नहीं, साले की शादी हो रही है आज, इसलिए अनुपमा इतनी जल्दी आई है। क्यों अनु? हाँ आंटी, पहुँचना तो बहुत जल्दी था लेकिन देर हो गई। क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा मम्मी मैं जाऊँ? हाँ जाओ बेटे। लेकिन फैक्ट्री? फैक्ट्री कहाँ भागे जा रही है? थैंक यू मम्मी, थैंक यू। बाय बाय बेटे। तुमने तो कह दिया फैक्ट्री कहाँ भागी जा रही, पकड़ दिया ना उसे? फैक्ट्री फैक्ट्री रटे जा रहे हो, ये नहीं देख रहे कि कितनी अच्छी जोड़ी बन रही है? और कहाँ जाना था तुम्हें? जहाँ तुम्हें जाना था। मैं तो एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। मगर अंकल के सामने तुमने कहा था कि तुम। अरे समझा करो यार, डैडी को इस काम के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कौन सा काम है मुझे बताओ, या मुझ पर भी भरोसा नहीं है? अरे तुम पर तो इतना भरोसा है जितना अपने आप पर भी नहीं है। लेकिन जब तक मैं इस काम में कामयाब नहीं हो जाता तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ओके बाय, सी यू। तारा बहन। भाई साहब, मैं जानता हूँ, बेटी की मोहब्बत में चोरों की तरह छुपकर देखने पर मजबूर कर दिया। मैं फिर कहता हूँ, तुम आशा को मिल क्यों नहीं लेती? चलो। नहीं नहीं भाई साहब, आशा को पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। वो मुझसे नफरत करती है, अब तो उसके सामने जाना भी ठीक नहीं है। भाई साहब, ये लड़का कौन था? ये हमारे दोस्त का बेटा है, हमने आशा से इसकी शादी तय की।
कैसा लगा तुम्हें? लाखों में एक है। भगवान इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। साहब बिल दीजिए और घर जाइए। क्या रात भर यहीं सोना है? ये लो छुट्टे रख लो। अरे दोस्त तुम, तुम्हें याद है वो दिन वो पार्टी में वो लड़की आई थी, वो कॉल गर्ल? हाँ नीलू, वो आज यहाँ आई नहीं? लगता है सब आज कोई गिराक नहीं फंसा, मगर आप तो शरीफ आदमी लगते हैं, आप किस चक्कर में फंसे? ये लो और भी मिलेंगे। अगर वो लड़की फिर से आए तो मुझे इस टेलीफोन नंबर पर फोन करना। साहब उसके आते ही मैं जरूर फोन करूंगा आपको।